हेलो फ्रेंड, टॉय मॉल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट चीपेस्ट म्यूजिकली टॉयज का कलेक्शन। दोस्तों देख सकते हैं काफी कमाल कमाल के टॉयज हैं जिसके साथ आज हम आपको प्लेइंग करके बताने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के कलेक्शन की डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में यहाँ पे 3D लाइटिंग वाला हेलीकॉप्टर। दोस्तों लुकिंग वाइज काफी कमाल का है और 3D लाइटिंग के साथ में म्यूजिकली भी है। दूसरा वाला है हमारे पास में यहाँ पे छोटा सा मिनी बोट रोबोट, ये भी काफी गजब का मूवमेंट करके आपको बताएगा। तीसरी वाली आ जाती है हमारे पास में यहाँ पे एक मिनी ट्राइसिकल, लुकिंग वाइज काफी बेस्ट है। चौथी वाली भी है हमारे पास में यहाँ पे ट्राइसिकल, बट दोनों काफी डिफरेंट है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास में पांचवी वाली यहाँ पे क्रेन, जो कि मैनुअली ऑपरेट करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मूवमेंट करती है। छठी वाली आ जाती है हमारे पास में यहाँ पे कॉन्सेप्ट कार, जो कि 3D लाइटिंग के साथ में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों देख सकते हैं आप। इसके अलावा छठा वाला आ जाता है हमारे पास में यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट वाला टॉयज, ये भी काफी कम माल का है। और सातवां वाला आ जाता है हमारे पास में छोटा सा मिनी सा 3D लाइटिंग वाला फिश। तो दोस्तों आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये कलेक्शन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बिना देरी के दोस्तों हम स्टार्ट कर देते हैं छोटी वाली मिनी वाली ट्राइसिकल से। तो गाइज जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये छोटी सी मिनी ट्राइसिकल लुकिंग वाइज काफ़ी बेस लग रही है। और इस तरह से यहाँ पे इसे अटैच करना होता है, यहाँ से इसका पेयर निकल गया, मैं इसे फिर से लगा देता हूँ। और दोस्तों ये बैटरी ऑपरेटेड है, म्यूजिकली भी है और रोटेटिंग भी आपको करके बताएगा और पूरी तरह से यहाँ पर ये इस ट्राइसिकल को भी आपको चला के बताने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर बैटरी को हमें इंसर्ट करना होगा। तो बैटरी का जो कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पीछे की ओर दिया गया है, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है और जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे टोटल 3 बैटरीज लगानी होगी, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, 1, 2 और ये लास्ट वाली 3rd। तो बैटरी तो हमने गाइज यहाँ पे लगा दी है, थोड़ा सा इसको और फिक्स कर देते हैं हम ताकि इसकी बैटरी बाहर की ओर ना निकले। और यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है, इसका पैर निकल गया, फिर से मैं ठीक से लगा देता हूँ इसको। तो ये अब अच्छे से फिक्स हो चुका है और यहाँ से इसे ऑन करना होता है। तो बिना देरी किए गाइस हम यहाँ से इसे ऑन कर लेते हैं। गाइस देख सकते हैं कि काफ़ी कमाल का मूवमेंट कर रहा है और किस तरीके से ट्राइसिकल को ये चला रहा है। और आगे की तरफ यहाँ पे लाइट्स चल रही है और इसके व्हील्स में भी 3D लाइट्स चल रही हैं। तो गाइस नीचे रख के इसे प्ले करके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मूवमेंट करके आपको बताने वाली है। गाइस काफ़ी मज़ेदार था ये ट्राइसिकल, आपको कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये ट्राइसिकल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं दोस्तों, अगर आप इस तरह के ट्राइसिकल को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये ट्राइसिकल आपको सिर्फ और सिर्फ 799 में ही मिल जाएगी। तो है ना काफ़ी कमाल की। तो दोस्तों बिना देरी किए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्राइसिकल की ओर।
तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉयज निकल कर आया है ये इस तरह की ट्राइसिकल है और लुकिंग वाइज काफ़ी बेस्ट लग रही है। और इसके साथ में जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट आ जाती है और जो गुड्डा इसके ऊपर बैठा हुआ है लुकिंग वाइज काफ़ी कमाल का लग रहा है। और इस तरह से इसके शूज़ हमें यहाँ पे फिक्स करने होते हैं और इस तरह से इसका व्हील रोटेट करेगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि कैप भी लगी हुई है, लुकिंग वाइज काफ़ी बेस्ट लग रही है। और आई थिंक यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी चलेगी, जैसा कि देख पा रहे हैं कि 3D ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है। बैटरी का कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है तो हमें यहाँ पे बैटरी लगानी होगी। और दोस्तों यहाँ पे भी एक छोटा सा व्हील लगा हुआ है, आई थिंक ये रोटेशन के हिसाब से ये व्हील भी इसका वर्क करेगा। ऑन और ऑफ का बटन यहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा एक मोड और दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 मोड आ जाते हैं, तो आई थिंक ये सेकंड वाला जो मोड है ये 3D लाइटिंग के लिए दिया गया है और जो तीसरा वाला मोड है उसी पे ये ट्राइसिकल मूवमेंट करके आपको बताएगी। यहाँ पे इसका म्यूजिक का कंपार्टमेंट जैसा कि देख पा रहे हैं लगा हुआ है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं। तो कंपार्टमेंट यहाँ से ओपन हो चुका है, इसमें टोटल हमें 3 बैटरीज लगानी होगी जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो 1, 2 और लास्ट वाली लग चुकी है। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन दिया गया है इस तरह से 3D लाइटिंग वाला दिया गया है जिसपे साइकिल मूवमेंट नहीं करेगी बट इस तरह से कुछ 3D लाइट्स आपको दिखाएगी। तो देख सकते हैं गाइज के 3D लाइट इसके व्हील्स में से किस तरह से निकल कर आ रही है और इसके हेड में से भी लाइट्स निकल कर आ रही है, तो काफ़ी गजब का लग रहा है दोस्तों ये। और बिना देरी किए अब हम इसे नीचे रख के चलाकर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कि हमारी ट्राइसिकल पूरी तरह से रेडी है चलने के लिए और लुकिंग वाइज तो काफ़ी बेस लग रही है। कुछ 3D लाइट्स यहाँ पे भी दी गई है और ऑन और ऑफ का बटन यहाँ पे पीछे की तरफ था, तो यहाँ से हम अब इसके ट्राइसिकल मोड को एक्टिव कर देते हैं। गाइस देख सकते हैं काफी कमाल का मूवमेंट करके बता रही है ट्राइसिकल। गाइस काफ़ी कमाल की ट्राइसिकल थी ये और चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इस तरह का जो 3D लुक है ये भी काफ़ी कमाल का लुक दे रहा है इसमें। और आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये वाली ट्राइसिकल भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आपको इस ट्राइसिकल का प्राइस बता देता हूँ, अगर आप इस तरह की ट्राइसिकल को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये वाली ट्राइसिकल आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज़ में ही मिल जाएगी। तो है ना काफ़ी कमाल की। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉयज की ओर जो कि है 3D लाइटिंग वाला स्पेसक्राफ्ट। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है लुकिंग वाइज कुछ इस तरह से दिखता है आगे की ओर से और पीछे की ओर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे व्हील की कुछ डिज़ाइन दी गई है बट ये व्हील इसके मूवेबल नहीं है। यहाँ पे इसका रोटेटिंग व्हील लगा हुआ है और छोटे छोटे 2 व्हील यहाँ पर आए हुए हैं। बैटरी का कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से हम इस कंपार्टमेंट को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि टोटल 3 बैटरीज भी हमें इसमें लगानी होगी, तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो तीनों बैटरी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ से हम कर देते हैं इसको लॉक इस तरह से। और ऑन और ऑफ का बटन गाइस यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से ऑन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। गाइस देख सकते हैं ग्रीन और रेड कलर्स की लाइट्स इसमें से निकल कर आ रही है, कुछ साउंड भी आ रहा है, काफ़ी कमाल का साउंड है। और अब हम इसे नीचे रख के प्ले करके देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से ये मूवमेंट करके बताएगा।
गाइस काफी मजेदार था ये स्पेसक्राफ्ट और रोटेटिंग काफी कमाल का था इसका। और ये वाला स्पेसक्राफ्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो ये वाला स्पेसक्राफ्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज में ही मिल जाएगा, तो है ना काफी कमाल का। अब बिना देरी किए आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉयज की ओर, जो कि है कॉन्सेप्ट कार, यानी कि इस तरह की 3D लाइटिंग वाली कार। तो गाइस देख सकते हैं कि लुकिंग वाइज काफी कमाल की कार लग रही है और यहाँ पे ABCD उच्च अल्फाबेट्स और 1, 2, 3 न्यूमरिक नंबर्स भी दिए गए हैं। और इसका जो इंजन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और मूवमेंट भी करके आपको बताएगा, यानी कि जैसा कि इसके कुछ इंजन और इसकी मशीन नज़र आ रही है और ये जिस तरह का से मूवमेंट करेगी तो यहाँ पर पूरा इसका इंजन मूवमेंट भी आपको करके बताएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 2 से 3 मोड दिए गए हैं, बैटरी इसमें ऑलरेडी इंसर्टेड है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 3D लाइटिंग वाला मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें से लाइट्स निकल कर आ रही है और लुकिंग वाइज काफ़ी बेस कार लग रही है दोस्तों। देख सकते हैं आपको कैसी लगी ये कार, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पीछे इसके लिखा हुआ है स्पीडिंग और यहाँ पर इसका जो मोड था वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। 3D लाइट्स यहाँ से निकलती है और इसके अलावा यहाँ पर नीचे की ओर इसका रोटेटिंग व्हील दिया गया है, बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पर होता है तो ऑलरेडी बैटरी इसमें लगी हुई है। तो गाइस अब बिना देरी के हम इसे नीचे रख के प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से ये मूवमेंट करके बताएगी आपको। गाइस देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा इंजन मूवमेंट करके आपको बता रहा है और पूरी सारी की चीज़ें इसमें किस तरह से मूवमेंट कर रही हैं, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों ये तो। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट कार तो काफ़ी मज़ेदार थी, आपको कैसी लगी जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। होप सो ये कॉन्सेप्ट कार आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका 3D लुक तो काफ़ी कमाल का लग रहा है दोस्तों, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस तरह की कॉन्सेप्ट कार को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये वाली कार आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में ही मिल जाएगी, तो है ना काफ़ी कमाल की। दोस्तों बिना देरी किए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉयज़ की ओर, जो कि है 3D लाइटिंग वाली फिश। तो गाइज लुकिंग वाइज तो काफ़ी कमाल की लग रही है ये फिश और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D के लिए यहाँ पे ग्लास दिया गया है, जिस तरह से इसका डिज़ाइन होता है यहाँ पे इसका डिज़ाइन बना हुआ है और 3D ग्लास भी इसमें लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे ग्रीन कलर का इसका डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे इसकी आइज़ आ जाती है और यहाँ पर भी कुछ लाइट्स का फंक्शन दिया गया है दोस्तों। और बैटरी का कंपार्टमेंट यहाँ नीचे की ओर है, तो गाइज़ यहाँ पर ऑलरेडी इसमें भी बैटरी लगी हुई आई है, तो यहाँ से इस कंपार्टमेंट को हम बंद कर देते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि टोटल 3 बैटरीज इसमें लगी हुई आई है, तो यहाँ से ये हो गया है लॉक और यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ़ का बटन दिया गया है, तो यहाँ से हम इसे ऑन कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलना चाह रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी में ही तैर रही हो। तो नीचे रख के हम इसे देख लेते हैं,
काफी ज्यादा स्पीड में भाग रही दोस्तों ये तो। तो गाइस काफी मजेदार फिश है ये, आपको कैसी लगी जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये फिश भी काफी मजेदार लगी और काफी ज्यादा स्पीड में भाग रही जैसा कि देख पा रहे हैं आप। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं दोस्तों, अगर आप इस तरह की फिश को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो ये फिश आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में ही मिल जाएगी। तो है ना काफी कमाल की। अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉयज की ओर, जो की है मैनुअल ऑपरेटेड ट्रेन। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि लुकिंग वाइज काफ़ी कमाल की और काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल क्रेन लग रही है ये। और यहाँ पे इसका पूरा ड्राइवर सीट दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि छोटा सा एक ड्राइवर सीट बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें इंजन पीछे की ओर आ जाता है इसमें, और इस तरह से इसके व्हील बने हुए हैं। तो ये व्हील भी मूवमेंट करते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं आप। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ नीचे की ओर रख के। और यहाँ पे इसका मैनुअली ऑपरेट करने के लिए सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ से इसका क्रेन का सिस्टम और क्रेन अप डाउन करने का सिस्टम इस तरह से दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे रख के हम इसे चलाकर देख लेते हैं। तो गाइस ये वाला जो बटन दिया गया है, यहाँ से इसका क्रेन का जो पार्ट है अप डाउन होने वाला, ये अप डाउन होगा। तो हम इसको यहाँ से टाइट करते हैं तो देख सकते हैं आप कि इस तरह से ये क्रेन पूरी तरह ऊपर आ चुकी है और काफ़ी कमाल का सिस्टम है। और यहाँ पे गाइज इसका सामान उठाने वाला फंक्शन अप डाउन करने के लिए दिया गया है, तो हम इसे अप डाउन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरह से इसको नीचे करने पर ये क्रेन का ये वाला पार्ट नीचे की ओर आ रहा है। और कोई सामान वगैरह हमें उठाना हो तो यहाँ से हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सामान को हम लगा कर देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका ये वाला पार्ट दिया गया है, तो इस पार्ट को हमें इस तरह से दबाना होगा। तो इस तरह से दबने पर ये वाला पार्ट इसका ओपन हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम उठाना चाहें तो यहाँ पे फिक्स करके उसे इजीली उठा सकते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ पे किसी चीज़ को रख कर देख लेते हैं। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे वॉच को फिक्स किया है, और अब यहाँ से हम इसे ऑपरेट करके देखते हैं। इसके हिसाब से तो काफ़ी वजनदार हो रही है ये वॉच, तो यहाँ से हम इसे मूवमेंट करके देखेंगे कि ये इसका वज़न उठा पा रही है या नहीं। वज़न तो नहीं उठा पा रही दोस्तों, पर ये इसे खींच ज़रूर लेगी। तो देख सकते हैं गाइस कि किस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है इसमें, और वॉच पूरी तरह ऊपर की ओर आ चुकी है। तो यहाँ से इसका वज़न ये संभाल नहीं पा रही है, गिर रही है। और इस तरह से इसका जो ये वाला पार्ट है, हम इसे भी चला कर देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं गाइस कि ये नीचे की ओर आ रहा है, और हम इसे फिर से टाइट करते हैं। तो काफ़ी कमाल का सिस्टम है दोस्तों ये, और काफ़ी मज़ेदार क्रेन लगी है मुझे ये। और आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये क्रेन आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब दोस्तों इस क्रेन का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, और अगर आप इस क्रेन को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये वाली क्रेन आपको 450 रुपीज़ में ही मिल जाएगी। तो है ना काफ़ी कमाल की। तो दोस्तों ये था इसका इस तरह से मूवमेंट होने वाला पार्ट। वॉच को तो हमने नीचे की ओर उतार दिया है पूरी तरह से, और अब यहाँ से हम इसका व्हील भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये मूवमेंट करता है, देख पा रहे हैं हम, और यहाँ से ये इस तरह से मूवमेंट करके आपको बताएगी। तो देख सकते हैं किस तरह से ये मूवमेंट कर रही है दोस्तों। तो ये वाला पार्ट इसका इस तरह से मूवमेंट करता है, यहाँ पे पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बट ये पूरी तरह से काफ़ी अच्छे से मूवमेंट करता है, और ये वाला पार्ट भी इसका पूरी तरह से मूव कर लेता है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये, और यहाँ से इस पार्ट को भी हम नीचे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये पार्ट इसका नीचे की ओर आ चुका है। तो है ना काफ़ी कमाल की क्रेन दोस्तों। अब बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉयज की ओर।
तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉयज निकल कर आया है वो 3D लाइटिंग वाला रोबोट है। लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा बेस लग रहा है और यहाँ पे इसका 3D फेस दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्लर में दिख रहा है। और इसको जब हम ऑन करेंगे तब यहाँ से इसकी लाइट्स बताएगी इसका फेस पूरी तरह से, और यहाँ पर भी लाइट्स लगी हुई है, इसके हैंड्स में भी लाइट्स आई हुई है और यहाँ पर भी कुछ 3D लाइट्स लगी हुई है। और लेग इसके इस तरह से मूवेबल है दोस्तों, तो यहाँ से भी लाइट्स इसमें जलेगी और लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल की तरह लग रहा है दोस्तों। और यहाँ से इसका ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है। बैटरी का कंपार्टमेंट यहाँ ऊपर की ओर आ जाता है, तो देख लेते हैं इसमें बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी है। तो गाइज यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे। और बैटरी का कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए हमें यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे खोलना होगा। तो ये तो यहाँ से ओपन हो चुका है दोस्तों, अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये यहाँ से ओपन हो चुका है और देख पा रहे हैं कि टोटल 3 बैटरीज इसमें भी हमें लगानी होगी। तो यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट हम कर देते हैं, बैटरी इंसर्ट हो चुकी है। इस कंपार्टमेंट को हम दोबारा से लॉक कर देते हैं। तो गाइज़ ये यहाँ से लग चुका है और ऑन और ऑफ का बटन पीछे की ओर है, तो यहाँ से हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ से 3D लाइट्स निकल कर आ रही है इसमें से, और इसका फेस भी नज़र आ रहा है अब तो। लुकिंग वाइज काफ़ी बेस लग रहा है ये, और अब हम इसे नीचे रख के चलाकर देखेंगे किस तरीके से ये मूवमेंट करता है। गाइस देख पा रहे हैं काफी कमाल का डांस करके ये बता रहा है और कई तरह के म्यूजिक इसके अंदर से निकल कर आ रहे हैं। तो डांस तो काफ़ी ज़्यादा बेस कर रहा है दोस्तों, अभी तक के जितने भी रोबोट्स आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल और काफ़ी अच्छे से स्टेप करके ही बता रहा है। और इसके फेस में से भी कई तरह की लाइट्स निकल कर आ रही है, इस बार ग्रीन थी इसके बाद ब्लू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। पीछे की तरफ भी जा रहा है ये, तो घुमा लेते हैं हम। गाइस देख सकते हैं किस तरह से इसका म्यूजिक चेंज हो चुका है। इसे थोड़ा डिम लाइट में भी हम चलाकर देख लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से इसका 3D लाइट का फंक्शन काफी गजब का लग रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे की ओर काफी ज्यादा कमाल की 3D लाइट्स हैं इस तरह से। इसे हम नीचे रख देते हैं वापस। तो गाइस काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेस लगा मुझे ये वाला डांसिंग रोबोट। आपको किसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये वाला डांसिंग रोबोट आपको ज़्यादा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, अगर आप इस तरह के डांसिंग रोबोट को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये वाला रोबोट आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। वह है ना काफी कमाल का रोबोट। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉयज की ओर, यानी कि 3D लाइटिंग वाले इस हेलीकॉप्टर की ओर। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि लुकिंग वाइज तो काफ़ी ज़्यादा बेस लग रहा है और साइज में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे इसका 3D लाइटिंग का सिस्टम कुछ दिया गया है। यहाँ पे लाइट्स दिखेगी और इसका जो व्हील है इस तरह से यहाँ से इसकी पंखड़ी वाला ये मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करने पे यहाँ पे भी कुछ लाइट्स दी गई है, तो ये लाइट्स भी यहाँ पर जलने वाली है। यहाँ पर एक पायलट बैठा हुआ है, तो पायलट एक एलियन की तरह लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे इसका बैटरी का कंपार्टमेंट पीछे की ओर है, और यहाँ से इसका ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है। रोटेटिंग व्हील यहाँ पे लगा हुआ है और दो व्हील यहाँ पे आ जाते हैं। तो लाइट्स कहाँ कहाँ पर है वो तो हमें इसे चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इसका बैटरी कंपार्टमेंट ओपन करके इसमें बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो गाइज यहाँ पर 3 बैटरीज इसमें भी लगानी होगी हमें, तो तीनों यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं हम। तो बैटरी तीनों यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ से इसका कंपार्टमेंट हम कर देंगे लॉक ताकि इसका व्हील काफ़ी आसानी से घूम सके।
तो ये तो यहाँ से हो चुका है लॉक। अब यहाँ से हम इसे ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों। वैसे देख सकते हैं कि काफ़ी कमाल की यहाँ पे लाइट्स निकल कर आ रही है इसमें से, ब्लू कलर की, पीछे की ओर भी लाइट्स है, साइड में भी लाइट्स जल रही है और इसकी जो पंखड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी कमाल की लग रही है लाइट जलने पर। तो हम इसे नीचे रख के चलाकर देखेंगे किस तरीके से ये मूवमेंट करता है हेलीकॉप्टर। गाइज ये जो साउंड दे रहा है किसी फाइटर प्लेन की तरह साउंड दे रहा है और लुकिंग वाइज काफ़ी बेस लग रहा है ये। और पायलट वाला जो कंपार्टमेंट दिया गया है वो ब्लू लाइट्स में ही यहाँ पर जल रहा है, पीछे की तरफ लाइट ब्लिंक कर रही है, आगे की तरफ लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है और इसकी पंखड़ी में लाइट्स ब्लिंक करती है। तो इस तरह से ये राउंड राउंड घूम रहा है। गाइज इसका 3D लाइटिंग वाला फंक्शन काफ़ी कमाल का था और काफ़ी बेस लगा मुझे इसका ये वाला फंक्शन। और इसकी पंखड़ी काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रही है और इसकी लाइटिंग तो काफ़ी कमाल का लुक दे रही है। और दोस्तों अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं। अगर आप इस तरह के हेलीकॉप्टर को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो ये वाला हेलीकॉप्टर आपको सिर्फ 700 रुपीज़ में ही मिल जाएगा, तो है ना काफ़ी कमाल का। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप चैनल पर न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉयज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।